गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें करना है इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट में से भी कॉटन की पेस्ट हमें पढ़ने हैं आज। शुगर केन पेस्ट वाली वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, अभी हमें देखना है कॉटन पेस्ट। कॉटन पेस्ट में सबसे जो मेन पेस्ट होता है वो होता है पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला। पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला उसका कॉमन नेम होगा द पिंक बोलवो। ठीक है, द पिंक बोलवो पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला। सबसे पहले देखो, कोई भी पेस्ट है उसके लिए हमें एक जनरल स्कीम फॉलो करनी होती है। एग्जाम में सबसे पहले हम क्या देंगे, उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में अप टू फैमिली जाना है। ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली। ठीक है, अब देखो स्पीसीज और जीनस का नेम तो हमें पता चल गया, पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला। और सारी की सारी इंसेक्ट कौन सी फाइलम में होती है, आर्थ्रोपोडा में। अब देखो हमने क्या करना है, ऑर्डर और फैमिली पे ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या है, जो कॉटन बोलवॉर्म है वो क्या है, मोथ है। तो मोथ और बटरफ्लाई क्या होती है, सब की सब कौन से ऑर्डर में आएंगे, लैपिडोप्टेरा। तो ऑर्डर कौन सा होगा इसका, लैपिडोप्टेरा। ऑर्डर होगी लैपिडोप्टेरा। फाइलम कौन सी है, आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। ऑर्डर है लैपिडोप्टेरा और फाइलम है जिलेसिडी। ठीक है, और स्पीसीज और जीनस कौन सी है, पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन के बाद हमें सेकंड स्टेप पे जाना होता है। वो क्या है सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक इंसेक्ट्स में हमें ये स्कीम फॉलो करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पहले बताना है कि वो वर्ल्ड में कहाँ मिलती है, उसके बाद इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है। तो क्या है, जो पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला होती है वो क्या होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी वर्ल्ड के हर पार्ट में मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो क्या होगा, इंडिया में यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, यहाँ क्या ये कॉमनली मिलती है पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने देखना है उसका हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट में क्या है, जो पिंक बोलवॉर्म होती है वो नॉक्टर्नल होती है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, यानी रात के टाइम पे एक्टिव होगी। उसके बाद देखो इसके होस्ट प्लांट में क्या है, हमें दो प्लांट के नाम देने। एक तो जो उसका मेन होस्ट होगा, यानी जिसका पेस्ट है, किसका पेस्ट है, कॉटन का। ठीक है, कॉटन पेस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो क्या प्राइमरी होस्ट क्या होगा, यानी मेजरली किसको इन्फेक्ट करती है ये, कॉटन को। साथ में हमने क्या देना है, इसका अल्टरनेट होस्ट, यानी अगर इसको कॉटन ना मिले तो ये क्या करेगी, अल्टरनेट होस्ट के ऊपर भी फीड कर सकती है। अल्टरनेट होस्ट कौन से, इसके लेडी फिंगर, ओकरा, ये सब क्या है, इसके अल्टरनेट होस्ट है। यानी सबसे पहले तो मेजर किसको क्रॉस करती है, ये कॉटन प्लांट को। कॉटन प्लांट के अलावा क्या है, ये लेडी फिंगर को और ओकरा प्लांट को भी क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो जनरल अपीयरेंस, जो एडल्ट होता है वो बहुत ही छोटे साइज का होता है। देखो एडल्ट कैसा है, ब्राउन कलर का एडल्ट होगा और उसके जो हैंड विंग है वहां पे क्या आएंगे, ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है हमने। लाइफ साइकिल जो होगी वो 22 से 77 डेज की लाइफ साइकिल होती है, यानी कि 22 डेज से 77 डेज तक वैरी कर सकती है। 22 डेज की है तो उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट लाइफ स्पैन। समर सीजन में क्या होती है, ये शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इसकी। ठीक है, 77 डेज की लाइफ साइकिल है तो वो क्या होगी, लॉन्ग लाइफ स्पैन विंटर सीजन में। ठीक है, विंटर सीजन में क्या करती है, इसकी लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी 77 डेज तक की लाइफ साइकिल होगी। और समर सीजन में क्या होगी, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगी, यानी कि 22 डेज की लाइफ स्पैन होगी। ठीक है, आप देखो जनरल अपीयरेंस हो गया, उसके बाद देखो डैमेज कौन करेगा। जब भी हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई मोथ्स की, तो उनका जो लार्वा होता है, लार्वा कौन सा होता है, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर ही वो स्टेज होती है जो इन्फेक्शन क्योज करती है, यानी एडल्ट कोई इन्फेक्शन क्योज नहीं करेगी। कौन सी स्टेज है जो इन्फेक्शन क्योज करेगी, यानी कॉटन प्लांट को कौन अफेक्ट करेगा, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करेगा, कॉटन प्लांट की शूट को, बोल को, फ्लावर को, इन सब के ऊपर फीड करेगा। अगर इन सब चीजों के ऊपर फीड करेगा
तो बोल के अंदर ही कॉटन होता है, तो बोल को ही रिड्यूस कर देगा, यानी डेट मीन्स क्या होगा, कॉटन प्लांट की यील्ड को कम कर देगा। यानी कैटरपिलर क्या होता है, वो ही डैमेज क्योज करता है, यानी डैमेज कौन क्योज करेगा, कैटरपिलर लार्वा। डैमेज कौन क्योज कर रहा है ये देखना। उसके बाद देखो एग, एग कैसे ले करेगा ये, एग देखो जो लाइफ साइकिल है इसकी हमने देख ली, लाइफ साइकिल क्या होती है, 22 से 77 डेज की लाइफ साइकिल होती है। एग देखो, एक फीमेल जो है वो सिंगल भी एग प्रोड्यूस कर सकती है और क्लस्टर में भी कर सकती है। इससे पहले जो हमने पायरिला पर्पिसिला पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि वो जो पायरिला पर्पिसिला है उसमें फीमेल क्या करेगी, क्लस्टर्स में एग ले करेगी, यानी 200 से 300 एग क्या है एक टाइम पे ले करेगी, प्लस वो कहाँ करेगी, लीफ के नीचे वाले पोर्शन पे एग ले करेगी। लेकिन ये जो पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला है इसमें फीमेल क्या करती है, 2 से 10 एग क्या है ले करेगी, और वो प्लांट के किसी भी पार्ट पे एग ले कर सकती है। ठीक है, प्लांट के किसी भी पार्ट पे एग ले कर सकती है, ये एग की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या है, एग जो है वो क्या करेगा, 4 डेज में, अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो 4 डेज में, लॉन्ग लाइफ स्पैन है यानी 77 डेज वाली है तो 23 डेज के बाद क्या हो जाएगा, एग कन्वर्ट हो जाएगा कैटरपिलर में। जब वो एग है, एग व्हाइट कलर का होता है, इलोंगेटेड होता है और फ्लैट होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या, हमने एडल्ट पढ़ा था ग्रे कलर का होता है, तो धीरे धीरे करके वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर में। ठीक है, तो कैटरपिलर क्या होगा, कैटरपिलर की साइज क्या होगी, लेंथ हो जाएगी इसकी 0 से 33 एम एम लेंथ होगी, और क्या विड्थ 0.26 mm क्या होगी उसकी विड्थ होगी। उसके बाद 7 से 20 डेज के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, और प्यूपा क्या हो जाता है बाद में एडल्ट में। तो ये क्या थी, इसकी लाइफ साइकिल थी कि सबसे पहले एग होगा, एग कितनी अमाउंट में ले करते हैं, 2 to 10 की नंबर में एग ले करते हैं फीमेल, और प्लांट के किसी भी पार्ट पे क्या कर सकती है, वो एग ले कर सकती है। उसके बाद देखो 4 to 23 डेज यानी 4 या 23 डेज के बाद क्या होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैच इनटू कैटरपिलर लार्वा, जो कि क्या होता है, कैटरपिलर लार्वा ही क्या होता है जो डैमेज क्योज करता है कॉटन प्लांट को। ठीक है, उसके बाद देखो 7 और 20 डेज के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में, और फिर क्या हो जाएगा एडल्ट में। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हैबिटेट देख ली, होस्ट प्लांट देख लिया, डैमेज देख लिया, डैमेज कौन कर रहा है, प्लस उसकी लाइफ साइकिल देख ली। अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज बचती है, कंट्रोल। कंट्रोल के लिए सबसे पहले हमें इन्फेक्टिव स्टेज पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कौन सी स्टेज कर रही है। हमें पता है कि इस प्लांट में या इस इंसेक्ट के केस में कॉटन प्लांट को पैक्टिनोफोरा की कैटरपिलर वाली स्टेज क्या होती है, डैमेज क्योज करती है। तो हम किस स्टेज पे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कैटरपिलर से पहले वाली स्टेज पे क्या कर सकते हैं, हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखो जो कंट्रोल होता है, कोई भी पेस्ट हो, तीन चार कंट्रोल सब में सेम रहेंगे। सबसे पहला जो होगा कंट्रोल, रेटून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड, रेटून क्रॉप क्या है उसको अवॉइड करना है। प्लस सेकंड क्या है जो सब में कॉमन रहेगा, रेजिस्टेंस वैरायटी ही डेवलप करनी है। तो हमें प्लांट की रेजिस्टेंस वैरायटी ही डेवलप करनी है जिससे कि प्लांट में उस इंसेक्ट से रेजिस्टेंस हो। थर्ड क्या होगा, स्प्रे करना है केमिकल का, अमाउंट चेंज हो सकती है, कौन से एंड्रीन और एंडोसल्फान इसका स्प्रे करना है। ये क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल होते हैं, इंसेक्ट्स को क्या कर देते, किल कर देते हैं। तो इन केमिकल्स का स्प्रे करना है। ये तीन पॉइंट क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे सभी में। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि कैटरपिलर, जो कैटरपिलर होता है वही क्या होता है, डैमेज कंट्रोल करता है। लेकिन जो एग है, एग से जो वो हैच होता है कैटरपिलर में, तो कब होता है, जब जो फॉलन लीव्स होती हैं उन्हीं के नीचे क्या होता है, ये कैटरपिलर डेवलप होता है। तो जो फॉलन लीव्स फ्लावर्स हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और उसको जला देंगे, तो क्या होगा, जो फॉलन लीव्स शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न। ठीक है, जिससे कि कैटरपिलर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। और क्या कर सकते हैं हम लोग कि मैन्युअली हम क्या कर सकते हैं, प्लगिंग से भी अच्छे, अगर खेत में अच्छे से हम जुताई करें, प्लगिंग करें, तो भी क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है इस पेस्ट का। ठीक है, तो क्या होगा, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन, कॉटन का इंसेक्ट पेस्ट का नाम क्या, पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला। इसमें इतना ही करना।